कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश के नंबर वन स्कूटर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, जो ओला है, एथर है, ये अभी अभी आए हैं, लेकिन जो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, जो बहुत पहले से इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे ज़्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर में हीरो इलेक्ट्रिक का नाम सामने आया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हीरो इलेक्ट्रिक बहुत साल पहले से ही इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, जो हीरो इलेक्ट्रिक है वो हीरो मोटोकॉर्प से अलग है। बहुत से लोग इस तरीके से सोचते हैं, जो हीरो मोटोकॉर्प की जो बाइक आती है, जैसे स्प्लेंडर हो गई, सीबीजी हो गई, इस तरीके की बाइक आती है, बहुत से लोग समझते हैं कि ये जो ये हीरो इलेक्ट्रिक है वो भी वही है, लेकिन ये अलग अलग है। बहुत से लोग खरीदने के बाद पता चलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्कूटर है ये वो कंपनी नहीं है। एक्चुअली में है क्या दोस्तों, जो हीरो जो ग्रुप है इसके अंदर कई सारी ब्रांचेज है। कि जिस तरीके से अगर मैं साधारण भाषा में समझाना चाहूँ, तो एक बार जब हीरो ग्रुप बना था तो वो शुरू में साइकिल बनाया करता था। जैसा कि आपने देखा ही होगा, हीरो की साइकिलें आती है, तो जब ये ग्रुप बना था तो साइकिल बनाया करता था। फिर उसी तरीके से जैसे एक फैमिली होती है, जैसे टाटा सन्स की फैमिली, ऐसे ही एक मुंजाल फैमिली है जिन्होंने ये इसकी जो हीरो ग्रुप की नींव रखी थी। तो इसी तरीके से वे जैसे जैसे विभाजित होते गए, तो उन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया, जो एक अपने आप में इंडिविजुअल है। जैसे हीरो साइकिल्स अलग हो गई, हीरो मोटोकॉर्प अलग हो गया, हीरो इलेक्ट्रिक अलग हो गई, और ऐसे काफ़ी और भी कंपनियाँ हैं, ये प्रमुख कंपनियाँ हैं जिनको आप जानते हो। बात करते हैं कि ये हीरो इलेक्ट्रिक की स्कूटी किन लोगों के लिए बनी है। दोस्तों वे लोग जो हाई एंड के स्कूटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते और अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं एक बड़े नाम के साथ, उन लोगों के लिए ये स्कूटर सबसे बेस्ट है। क्योंकि हीरो अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम है, हीरो का तो नाम ही बिकता है, जबकि ओला हो गया, एथर हो गया, ये सब कंपनियाँ अभी शुरुआती दौर में हैं। हालाँकि इनके स्कूटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिर भी जो एक नाम बड़ा है वो हीरो का ही है। तो जो लोग ये ओला या एथर जो वेट कर रहे हैं या कुछ इस तरीके से हैं, तो वे लोग इस जो है हीरो की, हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ जा सकते हैं। हीरो इलेक्ट्रिक की ऑप्टिमा है जो, वो काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जो कि आपको हर लगभग हर शहर में नज़र आ जाएगी। हीरो की ऑप्टिमा जो डबल बैटरी वाली है या सिंगल बैटरी वाली है, वो तो अपने अपने एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है साथियों। बाकी जो हीरो की ये स्कूटी है, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है मार्केट में। साथियों कुछ लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है बहुत अच्छा नहीं मानते, उनका कहना है कि इसका सस्पेंशन अच्छा नहीं है, इसकी लुक अच्छी नहीं है। लेकिन आप देखिए दोस्तों, इसकी कीमत भी तो कम है। अगर आप ओला की तरफ जाओगे, एथर की तरफ जाओगे, तो उनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है जिस चीज़ के लिए लोग इसे समझ रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कोई रेस लगाने के लिए नहीं बना है। जिस तरीके से ओला और एथर अपने स्कूटर को हाई परफॉर्मेंस और फास्ट स्कूटर जैसा कि कह के बेचते हैं, हीरो ऐसा कुछ कह के नहीं बेचता है। हीरो एक पारिवारिक स्कूटर है, जिसे कुछ लोग, जिनको सिर्फ ऐसे बाजार जाना है, मार्केट जाना है, आसपास 5-10-20 किलोमीटर जाना है, उनके लिए बना हुआ है ये स्कूटर। जैसे कि आपको पता होगा, कुछ जो लो स्पीड के इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं, वे कोई पेट्रोल स्कूटर से टक्कर देने के लिए नहीं बने होते। वे बने होते हैं अगर कोई बंदा साइकिल पे चल रहा है तो उसको एक स्कूटर का कंफर्ट मिल जाए और बहुत ज़्यादा स्पीड भी ना मिले, जिसकी वजह से उनको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लाइसेंस है चाहिए या नहीं चाहिए। जो हाई स्पीड के, उनके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और जो 25 किलोमीटर पर आवर से नीचे के जो स्कूटर्स हैं, उनके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। तो वो काफ़ी आसानी से बिकते हैं मार्केट में। हीरो इलेक्ट्रिक जो है अपनी नई मोटरसाइकिल भी आने वाले समय में लॉन्च करेगा, उसके बारे में भी हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरी और भी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।